भारतीय संगीत इस देश की प्राचीनतम कलाओं में से एक मानी गई है। संगीत इस शब्द में ही कंठ संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सर्वाधिक लोकप्रिय शैली, जो कि ख्याल के नाम से जानी जाती है, उसी के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। ख्याल शब्द का अर्थ है विचार या कल्पना। इस शैली में गीत के शब्द कम होने के कारण राग विस्तार की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब हम पहले बंदिश का अर्थ, उसका राग विस्तार में महत्व, उसकी विशेषता, इन बातों पर गौर करेंगे। बंदिश मूलतः फारसी शब्द है। इस शब्द का अर्थ बंदिश इस शब्द में ही समाया हुआ है। बंदिश का अर्थ कोई वांग्मय या काव्य से नहीं है, बल्कि राग के पूर्ण स्वरूप का बीज बंदिश में पहले से ही मौजूद रहता है, जिसकी सहायता से हम राग विस्तार करते हैं। गायन के लिए उपयुक्त बंदिश के मुख्य अर्थ को ही ध्यान में रखकर अब हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम, कलाकार को बंदिश की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, या दूसरे शब्दों में इस बंदिश रचना की प्रक्रिया क्या है, इसे देखेंगे। कलाकार सृजनशील व संवेदनाशील व्यक्ति होता है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के कटु व सुखद अनुभव किए हुए क्षणों से कलाकार भी प्रभावित होता है और अपनी कल्पना से उसे एक धुन सूझती है, और वह चाहता है कि यह धुन दीर्घकाल तक संगीत जगत में बनी रहे और श्रोता भी उसका आनंद उठा सकें। इस प्रक्रिया में कलाकार के मन में उस राग का एक काल्पनिक नक्शा तैयार रहता है। उसे ठोस और स्थायी रूप देने के लिए वह गायन के अनुकूल शब्दों का चुनाव और साथ ही साथ स्वर रचना भी तैयार करता है। यहाँ यह आवश्यक नहीं कि उसे पहले धुन और बाद में शब्द सूझते हों, कभी कभी तो पूरी बंदिश तैयार होकर उसके सामने आती है। ऐसी बंदिश में लय, ताल, ठेका, राग में प्रयुक्त स्वरों की योजना, मुखड़ा, सम का स्थान, ठहराव की योजना आदि बातें कलाकार की प्रतिभा को दर्शाती हैं। इस प्रकार की रचना ही बंदिश कहलाती है। ख्याल गायन में यदि किसी बात को विशेष महत्व दिया जाता है तो वह बंदिशों को दिया जाता है। पुराने बुजुर्ग तो यहाँ तक कहा करते थे कि राग नियम की क्या जरूरत है, बंदिश को देखो और उसकी बढ़त करो। उनके ऐसे कहने का ठोस कारण भी है, क्योंकि राग का अपना एक चेहरा होता है। जब हमें किसी व्यक्ति का स्मरण होता है तो सबसे पहले उसका चेहरा ही हमारे सामने आता है। उस व्यक्ति के अन्य शरीर अंगों पर हमारा ध्यान नहीं के बराबर होता है। हम उस व्यक्ति के चेहरे मात्र से उसे पहचान लेते हैं। उसी प्रकार राग गायन में बंदिश के माध्यम से राग को तुरंत पहचान लिया जाता है। दूसरी बात, जिस कलाकार के पास जितनी अधिक बंदिशों का संग्रह होगा, राग का स्वरूप उसे अधिक स्पष्ट होगा, क्योंकि बंदिश को ही आधार मानकर कलाकार राग विस्तार करता है। और यही कारण होगा कि पुराने जमाने में बुजुर्गों का यह आग्रह रहता था कि कम से कम एक राग में 15-20 बंदिशें होनी आवश्यक हैं। स्वाभाविक है कि एक ही राग में अनेक बंदिशें हों तो लय, ताल, मुखड़े के अनुसार उसकी सजावट बदलेगी, यानी कि स्वर विस्तार की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और बढ़त भी अलग ढंग से होगी। वैसे तो हर एक बंदिश की लय और ताल भी सुनिश्चित होते हैं, क्योंकि रचनाकार ने उन बंदिशों की रचना लय एवं ताल के वजन को ध्यान में रखते हुए ही बांधी है। उदाहरण के लिए राग पूरिया धनाश्री में 3 रचनाएं मैं आपको सुनाती हूँ। पहली पारंपरिक रचना, जो कि विलंबित एक ताल में निबद्ध है और जिसकी सम मध्य सप्तक के निषाद पर है।
दूसरी पारंपरिक रचना झपताल में निबद्ध, जिसकी सम मध्य सप्तक के धैवत पर है। तीसरी मेरी स्वयं की रचना विलंबित एकताल में निबद्ध और जिसकी सम मंद्र सप्तक के निषाद पर है। इन तीनों रचनाओं के मुखड़े व सम भी अलग अलग स्वरों पर हैं। ताल व लय का वजन भी बदला हुआ है। स्वाभाविक है कि राग का आविष्कार भी उसी के अनुसार होगा।
राग गायन की लगभग समस्त बंदिशें मुख्यतः पश्चिमी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, ब्रिज बोली आदि अनेक भाषाओं में हैं। जो कुछ भी हो, यहाँ भाषा की व्याकरण शुद्धता को प्राधान्य न देते हुए शब्दों के नाद माधुर्य को प्राधान्य है। बंदिश पेश करते समय कलाकार उसके काव्यार्थ को आधार रूप में लेकर सांगीतिक आशय श्रोताओं तक पहुंचाता है। इसीलिए यहाँ एक सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है कि बंदिश के शब्दों के उच्चार साहित्यिक दृष्टि से न होकर सांगीतिक दृष्टि से हों। प्रायः बंदिशों के विषय भक्ति, श्रृंगार वर्णन, प्रकृति, ऋतु, उत्सवों के वर्णन, गायन वादन संबंधी होते हैं। ख्याल शैली में सर्वसाधारण राग के प्रस्तुतिकरण में दो बंदिशें विलंबित व द्रुत गाई जाती हैं। प्रत्येक ख्याल के पेशकारी में तीन बातें देखी जाती हैं, बंदिश जैसी है वैसी गाना, दूसरी बात स्थाई और अंतरे का विस्तार जिसमें आलाप, बोल आलाप, बहलावा, तान, बोलतान आदि का विस्तार भी हो, और तीसरी बात कि बंदिश के मुखड़े के वजन को कायम रखते हुए बढ़त करना। बंदिश के दो भाग होते हैं, स्थाई अधिकतर पूर्वांग में और अंतरा अधिकतर उत्तरांग में होता है। इस प्रकार आपने देखा कि ख्याल गायन में बंदिश का अपना एक अलग अनोखा स्थान है जो कि राग की बढ़त में सहायक सिद्ध होता है। पारंपरिक बंदिशें जो कि इतने वर्षों से कलाकार गाते बजाते चले आ रहे हैं और फिर भी उन रचनाओं का सौंदर्य कुछ ऐसा है कि वे अभी भी नित्य नई महसूस होती हैं। आज हम कई नवीन रचनाकारों की भी बंदिशें सुनते हैं, वे भी लोकप्रिय हो रही हैं। मैं तो ऐसा कहूँगी कि सुंदर, सुघड़, आदर्श बंदिश वही है जो भली भांति बिना किसी अटकाव के गाई जा सके। अंत में राग भीम में दो बंदिशें विस्तार क्रम से सुने, विलंबित एकताल में निबद्ध मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित शंकर श्रीपाद बोडस जी की रचना है और द्रुत पारंपरिक बंदिश है। Yeah.